guys, in this video I'm going to be talking about ChatGPT and how to make money from it. कुछ दिनों से आपने ChatGPT के बारे में बहुत कुछ सुना होगा. It's an artificial intelligence platform that can help you do a lot of things. Trust me, ये बहुत सारी चीजों में आपकी मदद कर सकता है and you don't even know about it. अगर आप इसको already use नहीं कर रहे हैं, you are missing out on a lot of money and a lot of help for free. अगर आप इस चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. मेरा नाम छवि है और मैं वर्क फ्रॉम होम ऑन ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में बात करती हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू गो टू openai.com, क्लिक ऑन ट्राई ChatGPT, साइन अप, एंटर योर ईमेल एड्रेस. यू गॉट टू वेरीफाई योर ईमेल, सो यू हैव टू ओपन योर जीमेल. So you have to give your name, your phone number. They are going to send you a code on your phone. So we are going to put that in. So that's done. And here is your ChatGPT. Okay, so the first thing that you can do with ChatGPT is use it in your freelancing business and reduce the amount of time that you take to create stuff. ठीक है, इसका मतलब है कि आप ChatGPT यूज़ करके अपना टाइम कम कर सकते हो टू जेनरेट कॉन्टेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स. सो पहले हम रिटन कॉन्टेंट की बात करेंगे. तो अगर आप फ्रीलांस राइटर हो, कॉपी राइटर हो, अगर आप एड कॉपी लिख रहे हो, सोशल मीडिया मैनेजर हो और आपको सोशल मीडिया की कॉपीज लिखनी है, पिंटरेस्ट के लिए इंस्टाग्राम कैप्शंस लिखने हैं, या आप ईमेल कॉपी राइटर हो अगर आपको ईमेल्स लिखने हैं, तो ये ChatGPT आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है और आप जो भी लिखने का टाइम होता है उसको कट शॉर्ट कर सकते हो. सो लेट मी जस्ट शो इट टू यू. सो लेट्स से दैट अगर आप लिख रहे थे कंटेंट ऑन टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, सो यू आर गोइंग टू पुट अ कमांड सेइंग राइट अ 1000-word आर्टिकल on time management tips for remote work. ठीक है, ये बहुत ही स्पेसिफिक कमांड्स हैं. सो आपको सोचना पड़ेगा कि आप जो चीज़ को अचीव करना चाहते हैं उसके लिए कौन सी स्पेसिफिक कमांड आप ChatGPT को देंगे. सो लेट्स से कि अगर मुझे 1000-word आर्टिकल लिखना था ऑन टाइम मैनेजमेंट टिप्स फॉर रिमोट वर्कर्स, आई एम गोइंग टू पुट दैट एंड प्रेस एन एंटर. And it's going to generate content for me. You can see that on the screen right now. It's generating a 1000-word article for me. इसकी ये beautiful सी बात है that whatever content that ChatGPT contains is plagiarism free. So आप इसको ना different platforms पर check कर सकते हो कि ये plagiarism है या नहीं है. So मैं दो चीज़ें use करती हूँ to check the plagiarism count. And one is Grammarly Premium and the second one is Copyscape. तो हम इसको दोनों में एक बार चेक करेंगे और देखेंगे कि ये इसमें कोई भी प्लेजरिज्म है या नहीं है. ओके ओके, तो ये कंप्लीट हो गया. तो लेट मी जस्ट ओपन Grammarly एंड Copyscape. आई एम गोना कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर. डन. Go here, check on the plagiarism. So it shows that you have 12% plagiarism on this. So ये थोड़ा सा ज़्यादा है. You can go and check out कि क्या चीज़ें plagiarized हैं and you can rewrite them according to you. I'm going to copy it on Copyscape and I'm going to run a premium search. You can see कि यहाँ पे कोई आर्टिकल है हाउ टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी एज अ मेडिकल राइटर, जहाँ पे से कुछ कॉपी हुआ है. जस्ट वांट टू कंपेयर टेक्स्ट. द पेज बिलो हैज 48 वर्ड्स मैचिंग 10% ऑफ द टेक्स्ट. सो आप देख सकते हो कि क्या हुआ है. सो हियर आर सम टिप्स. तो बहुत ही कॉमन है, क्रिएट अ स्केड्यूल तो बहुत ही ऑब्वियस सा है. इट्स इंपॉर्टेंट टू हेल्प यू स्टे टूल्स अवेलेबल दैट कैन हेल्प यू. देखो यहाँ से बहुत कुछ कॉपी हो गया है. इट एक्चुअली फील्स लाइक ये थोड़ा सा प्लेजराइज्ड है. सो व्हाट यू डू इज टू राइट इट डाउन इन योर ओन वर्ड्स. तो आप वो कर सकते हो. सो आप देख रहे हो
बट अगर आपको कोई आर्टिकल लिखना है, अगर आप फ्रीलांस राइटर हो और अपने क्लाइंट्स के लिए कोई आर्टिकल लिख रहे हो, सो यू कैन यूज चैट जीपीटी टू जनरेट अ बेसिक आउटलाइन. उस बेसिक आउटलाइन के बाद यू कैन ऐड स्टफ, ऐड योर एक्सपीरियंस, ऐड योर इनपुट्स टू मेक इट अ फुलर आर्टिकल. लेकिन आप कभी इस पर एकदम रिलाई मत कर लेना, एंड डोंट जस्ट कट कॉपी पेस्ट, बिकॉज इसमें बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, इसमें बहुत सारी मेडअप इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, एंड एज यू सॉ इसमें से बहुत कुछ प्लेजराइज भी हो सकता है. इसीलिए ऑलवेज डू योर चेक. और आप इसको सिर्फ कट कॉपी पेस्ट की तरह मत यूज करो, आप इसको एक बेस लाइन की तरह से लो, सो दैट इट कैन हेल्प यू डिलीवर फास्टर रिजल्ट्स, राइट? तो अगर आप राइटर हो तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हो. सिमिलरली, अगर आप ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो एंड यू वॉन्ट टू जनरेट कॉन्टेंट, यू कैन यूज चैट जीपीटी टू क्रिएट दिस बेसिक आउटलाइंस. ठीक है, अब सपोज आप एक सोशल मीडिया मैनेजर हो और आपको कैप्शन लिखना है, सो वी आर गोइंग टू ट्राई हाउ यू कैन राइट इंस्टाग्राम कैप्शंस, एंड इसमें ये कैप्शंस कैसे लिखता है और कितने अच्छे होते हैं. आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग दैट. सो राइट एंड इंस्टाग्राम कैप्शन फॉर अ पोस्ट ऑन फ्रीलांस राइटिंग टिप्स. सो इट इज क्रिएटिंग. ओके, दिस इज एक्चुअली प्रिटी ग्रेट, राइट? सी, मैंने डाला था कि राइट एन इंस्टाग्राम पोस्ट, राइट एन इंस्टाग्राम कैप्शन फॉर अ पोस्ट ऑन फ्रीलांस राइटिंग टिप्स. तो इसने मुझे ये आउटपुट दिया है, फीलिंग ओवरवेल्ड एज अ फ्रीलांस राइटर, हियर आर अ फ्यू टिप्स टू हेल्प यू स्टे ऑर्गेनाइज एंड टॉप ऑफ योर प्रोजेक्ट्स. उसके बाद इसने 7, 8, 9, 10 चीज़ें लिस्ट करी है, प्लस इट हैज़ गिवन मी हैशटैग्स ऑल्सो. सो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है. इफ यू आर अ सोशल मीडिया मैनेजर और आपको थोड़ी सी क्रिएटिविटी या राइटर्स ब्लॉक हो गई है, सो यू कैन यूज दिस टू डिवेलप एंड क्रिएट योर बेसिक स्टफ एंड देन वर्क ऑफ इट. सिमिलरली, लेट्स से अगर आप एक ईमेल कॉपी राइटर हो और आप सोच रहे हो कि आज क्या ईमेल भेजा जाए अपनी ईमेल लिस्ट को, या आपके क्लाइंट ने आपको कुछ वर्क दिया है, सो राइट अ 200 वर्ड ईमेल ऑन, लेट्स से, माय सर्फिंग एक्सपीरियंस इन इंडिया. ये थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ टॉकिंग अबाउट माई सर्फिंग एक्सपीरियंस इन इंडिया. तो इसके लिए अगर उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो बहुत ही बुलशिट आंसर जनरेट होने वाला है, बट दैट्स व्हाट इज फन, राइट? सो लेट्स सी. हाय नेम, आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू माय अमेजिंग सर्फिंग एक्सपीरियंस इन इंडिया. ओके, इट नोज आई रिसेंटली वेंट ऑन अ ट्रिप टू द साउथर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, हैड एन अपॉर्चुनिटी टू ट्राई सर्फिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. द वेव्स वर परफेक्ट एंड द वाटर वाज क्रिस्टल क्लियर. आई वाज अ लिटिल नर्वस एट फर्स्ट, जो कि सही बात है, but the instructors were so patient and helpful, and that is definitely something I would write. Oh my god, this is actually pretty great as a starting point. क्योंकि मैं सोच भी रही थी that I'm going to send an email about my surfing experience in Mulki, Karnataka. I think ये बहुत ही अच्छा starting point है, where I can take this and add all the information about my surfing experience, right? ये बहुत ही अच्छा first draft है actually. So if you are an email copywriter, आप definitely इसको use कर सकते हो. Okay, so that is about content writing. Okay, now the second way you can use this is to generate small tools or to help you program or code stuff. ठीक है, so this is not just to create content, लेकिन आप इसके साथ कुछ ऐसा create कर सकते हो that can help you gain a lot of subscribers, readers, या फिर it can help you with a lot of customers in the future. So ये बहुत ही abstract लग रहा है अभी मैं बात कर रही हूँ इस चीज़ के बारे में, बट लेट मी टेल यू दैट अगर आप इसको एक बहुत छोटी सी चीज बोलोगे, सो लेट्स से जनरेट कोड टू कैलकुलेट GST ऑन सर्विसेज, ऐसा कुछ, सो इट विल क्रिएट अ पाइथन कोड. यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन दैट इट इज क्रिएटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ कोड इन पाइथन दैट कैलकुलेट्स GST ऑन अ सर्विस. सो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो जैसे आप चाहो, एंड इट विल क्रिएट अ कैलकुलेटर फॉर यू टू कैलकुलेट GST कितना लगा. इज़न्ट दैट अमेजिंग? सो आप ऐसे ना बहुत सारी स्मॉल चीज़ें बना सकते हो जो कि लोग
ढूंढ रहे हैं बट है नहीं. सो फॉर एग्जाम्पल जीएसटी कैलकुलेटर फॉर फ्रीलांसर्स, ऐसा तो कोई कैलकुलेटर ही नहीं है दैट कैलकुलेट्स जीएसटी फॉर फ्रीलांसर्स. फॉर एग्जाम्पल आप वो बना सकते हो यूजिंग चैट जीपीटी. द सेकेंड थिंग दैट यू कैन मेक इज क्रोम एक्सटेंशन. अब क्रोम एक्सटेंशन बिजनेस तो बहुत ही बड़ा है. इनफैक्ट अगर आप मेरा क्रोम देखोगे तो इट हैज़ मोर देन 100 एक्सटेंशन. अभी मैंने रिसेंटली ही बहुत सारे एक्सटेंशन डिलीट किए हैं. बट इफ यू कैन कम अप विद एन एक्सटेंशन दैट कैन हेल्प पीपल, ये भी आप बना सकते हो चैट जीपीटी की यूज कर. क्रिएट अ क्रोम एक्सटेंशन टू कैलकुलेट वर्ड्स ऑन अ वेब पेज. बट यू कैन सी दैट यू नो काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं. यूज जेसन, एचटीएमएल एंड अ जावास्क्रिप्ट. काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं आपको टू क्रिएट योर क्रोम एक्सटेंशन व्हिच इज प्रीटी ग्रेट. सो द सेकंड थिंग दैट यू कैन यूज चैट जीपीटी फॉर इज टू क्रिएट दीज स्मॉल थिंग्स, टू क्रिएट क्रोम एक्सटेंशंस या छोटे छोटे चीजें लाइक कैलकुलेटर्स एंड देन प्रमोट इट टू योर ऑडियंस. The third thing that you can do with this is to help you publish self-published books. आप बहुत सारे categories ले सकते हो but let's take a creative category, क्योंकि children's book बनाना थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता है या फिर children's book बनाना थोड़ा सा आसान होता है, थोड़ी creative stories होती हैं, moral stories होती हैं. So let's just write a 500 word moral story for a 5-year-old kid. ये बहुत ही generic सा command है but let's see what ChatGPT comes up with. Okay. To appreciate the beauty and importance of all the living things. And he became an avid nature lover. That is a great story. That is a story that I would definitely read to my 5-year-old. Let's try one more thing. Write a 200-word story about a prince and princess for a 5-year-old girl. I know, बहुत cliche था. But let's see what ChatGPT comes up with. I'm very interested and I'm very surprised at this level of artificial intelligence. ये बहुत amazing भी है और बहुत scary भी है. So you can read it on the screen right now. It's a lovely story. And you know, you can always take this as a base and refine it in your own words. And create a bunch of these stories and self-publish on Amazon, which can help you make money. So the next thing we are going to try is a little, I have not tried that with ChatGPT yet. We are going to create a YouTube video. Create a YouTube video on how to use ChatGPT. We are going to create a 1-minute YouTube video. Okay, it has actually given me a script which I could have used. I actually went and researched and made my own notes for this entire YouTube video. But मुझे तो यही use कर लेना चाहिए था. This is pretty great. अगर आपको एक YouTube video बनाना है, so what you can do is to start with a script, right? वो script बनाना बहुत बार बहुत difficult हो जाता है if you have creative blog या आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप start कहाँ से करो. In that case, आप चैट जी पी टी यूज़ कर सकते हो टू क्रिएट योर बेसिक आउटलाइन एंड देन यू कैन एड स्टफ एंड रिफाइन द स्क्रिप्ट. सो वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज आप जिसको जितना स्पेसिफिक कमांड दोगे उतना ही स्पेसिफिक आउटपुट आएगा. सो यू नीड टू बी वेरी क्रिएटिव इन वॉट यू आर पुटिंग टू जनरेट द प्रोसेस एंड जनरेट द आउटपुट. तो आप जितने क्रिएटिवली डालोगे उतना ही क्रिएटिव रिस्पॉन्स आपको चैट जी पी टी देगा. आप देख सकते हो यू कैन डू दिस. आपने स्क्रिप्ट क्रिएट कर लिया, फिर समथिंग लाइक पिक्टोरियो यूज करके आप एक फेसलेस यूट्यूब वीडियो बना सकते हो. अगर आपको ये आइडिया अच्छा लग रहा है तो आई कैन एक्चुअली मेक अ सेपरेट वीडियो टॉकिंग हाउ टू मेक अ यूट्यूब वीडियो यूजिंग चैट जीपीटी एंड अ फ्यू अदर एप्स लाइक पिक्टोरियो. अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है सो जस्ट लीव अ कमेंट बिलो एंड लेट मी नो एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट.
एक्सप्लेनिंग स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे यूज कर सकते हो। अगर आप ग्राफिक्स डिजाइनर हो तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चीज है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टेबल डिफ्यूजन व्हिच इज आल्सो एन एआई। सो मैंने यूज नहीं किया है फॉर व्हाट आई एम गोइंग टू ट्राई। लेट मी सी अ प्रिंस एंड अ प्रिंसेस। आई नो बहुत क्लिशे था बट आई पुट इन अ प्रिंस एंड अ प्रिंसेस क्योंकि अगर आप चिल्ड्रंस बुक बना रहे हो, अगर आप फिक्शन बना रहे हो यूजिंग चैट जीपीटी, व्हाट यू कैन डू इज टू यूज स्टेबल डिफ्यूजन एंड क्रिएट पिक्चर्स फॉर इट। तो आपकी बुक्स में सिर्फ क्रिएटिव स्टोरीज ही नहीं, बहुत ही क्रिएटिव पिक्चर्स भी हो सकती है यूजिंग एआई, यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप यहाँ से प्रिंस प्रिंसेस बनाओ, कैसल बनाओ, बहुत सारी चीज़ें बनाओ यूजिंग स्टेबल डिफ्यूजन एंड क्रिएट योर स्टोरीज विद चैट जीपीटी। Okay, so you can see it on the screen कि आपके पास क्या आया है। These are pretty decent. So guys, this is all about ChatGPT and how you can make money using ChatGPT. तो आप देख सकते हो ChatGPT बहुत ही creative सा artificial intelligence है, जिसको आपको थोड़ा सा संभाल के use करना है because there are accuracy issues. There are plagiarism issues and Google can detect AI content and Google is not very pro AI content. इसीलिए आप ensure करो कि whatever AI content that you are generating, you use it as a baseline और उस पर आप build कर रहे हो, उस पर आप add कर रहे हो और अपनी creativity add कर रहे हो, तभी it could lead to something fruitful. But क्योंकि ChatGPT नया है, people don't know how to use ChatGPT, I think this is the best time. आप ChatGPT पर जाओ, sign in करो, login करो and try out the things that ChatGPT can do and come up with creative ways you can make money online with ChatGPT right now. क्योंकि अगर बहुत सारे लोग इस platform को use करने लगेंगे तो it will become very competitive and then everything, every other thing would be explode और आपके पास जो अभी मौका है that you will lose. इसलिए just go sign up on ChatGPT and see how you can use it for your business or to create a new business. And if you like this video, do leave me a comment, like, and please do subscribe to my channel and I'll see you next week guys. Bye bye.